शिवसेना सांसद राजन विचारे ने आज एरोली काटई एलिवेटेड कॉरिडोर का दौरा किया और अभियंता एवं अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य का जायजा लिया। एमएमआरडीए वर्ष 2018 से इस कॉरिडोर का निर्माण करवा रही है। सांसद राजन विचारे ने यहां अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। देखे रिपोर्ट। एरोली से अंबरनाथ को जोड़ने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण अब पूरा होने वाला है। आज शिवसेना सांसद राजन विचारे ने एरोली काटई एलिवेटेड कॉरिडोर का दौरा किया और कार्यों का जायजा लेते हुए इसका निर्माण शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मनपार एमएमआरडीए के अभियंता और कई उच्चाधिकारी भी मौजूद थे। सांसद राजन विचारे ने कहा कि उन्नत मार्ग के शीघ्र निर्माण से एरोली से काटई नाका अंबरनाथ तक बाधा रहित आवागमन आसान होगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के शीघ्र निर्माण के लिए नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के योगदान के लिए भी आभार जताया। या पद्धतीने आज आम्ही पाहणी केलेली आहे। जरी 2018 हे कामाचं भूमिपूजन झालं आणि या कोविडच्या काळात सुद्धा थोडंसं काम स्लो चालू होतं आणि आज तुम्हाला प्रत्यक्षात आम्ही त्या ठिकाणी पाहणी केली। आता मला वाटतं या काम सुरू झाल्यापासून 7 ते 8 वेळेला आपण इथे गेलो होतो। या ठिकाणीसुद्धा आपण ह्याला रॅम्प आपण हे करून ह्याला आपण अटॅच करतो आहे। हेही सुद्धा मला वाटतं त्याचं ड्रॉइंगसुद्धा आपण दिलेलं आहे आणि ते सुद्धा कामामध्ये हे काम त्यांना घ्यायला सांगेल आणि लवकरात लवकर हा काम कसं होईल या दृष्टिकोनातून आम्ही सर्वजण महानगरपालिका असेल नवी मुंबई त्याचबरोबर MMRDA असेल आणि संबंधित बाकी जे डिपार्टमेंट असेल हे लवकरात लवकर हा प्रकल्प पूर्ण होना है। बताना जरूरी है कि MMRDA वर्ष 2018 से ही एरोली काटई उन्नत मार्ग का निर्माण कर रही है। हालांकि कोरोना लॉकडाउन और अन्य कारणों से इसका काम मंद पड़ा था। इसे लेकर बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने भी दौरा किया था और हालिया अधिवेशन में इसके निर्माण में हो रही देरी और तकनीकी खामियों पर सवाल उठाया था। हालांकि सांसद राजन विचारे ने गणेश नाइक के उन सवालों पर आज तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा के सिर्फ अधिवेशन में चिल्लाने से प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, उसके लिए ग्राउंड पर जाना पड़ता है। सांसद ने कहा कि उनकी सरकार और पालक मंत्री लगातार विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं और एरोली एलिवेटेड कॉरिडोर भी जल्द पूरा होगा। गणेश नाईकांचा मी प्रवक्ता नाही आहे, त्यांची उत्तर द्यायला मी बांधलेलं नाही। गणेश नाईकांना ते या ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते गेले कित्येक वर्ष, त्यांना माहिती आहे सभागृहात बोलून हे कामं होत नसतात, यासाठी आपण साईडवरती जायला लागतो, संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावं लागतं, त्यांच्या ज्या अडचणी असतील त्या त्या डिपार्टमेंटशी चर्चा करून दूर करावं लागतं। ठीक आहे, खासदार या नात्याने पालकमंत्री आमचे एकनाथ शिंदे आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार आहे, मान्य मुख्यमंत्री महोदय या बाबतीमध्ये लक्ष घालत आहेत। आज तुम्हाला माहिती असेल घनसोली ऐरोली ह्या रस्त्याचं काम गेली 12 वर्षे हे पालकमंत्री असताना सुद्धा सोडू शकले नाहीत। आज संपूर्ण कामात त्यांना असलेल्या अडचणी या सर्व अडचणी आम्ही इथे येऊन बसून दूर केलेल्या आहेत। मग ते रेल्वेची असेल, मग ते ठाणे महापालिकेच्या एक्विशनच्या डिपार्टमेंटची असेल किंवा इतर असेल, या सर्व गोष्टी यांच्या अडचणी दूर करेल। नुसतं आपण हे काम झालं पाहिजे, हे व्हायला पाहिजे, हे करायला पाहिजे, सभागृहात बसून बोलून होत नाही, त्यासाठी आपल्याला जागेवरती जाऊन या सर्व गोष्टी अडचणी दूर करायला पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।